हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह। पिछले वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों से उत्खनन में प्राप्त मोरों के बारे में आपको बताया था। अब मैं अन्य पुरावस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मृद भांड के बारे में हम बताएंगे आपको। मृद का अर्थ होता है मिट्टी और भांड का अर्थ होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी की सभ्यता में मृदभांड कला का अच्छा विकास हुआ। खुदाई में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए, उनमें बहुसंख्यक टुकड़े भी पाए गए हैं। बर्तन चाक और हाथ दोनों के बने हुए हैं। अधिकांश दैनिक उपयोग के बर्तन का निर्माण ही किया गया है। मृदभांड मुख्यतः लाल और गुलाबी रंग के हैं। बर्तन भट्ठों में अच्छी प्रकार से पकाए जाते थे। खुदाई में भट्ठों के अवशेष भी मिले हैं। बर्तनों में अनाज रखने के लिए कोठिले, पानी के घड़े, सुराही, मर्तबान, कटोरे, प्याले, तस्तरियां, कुल्हड़, थालियां आदि मिले हैं। कुछ बर्तनों पर विविध पशु पक्षियों और वनस्पतियों के अंकन सुंदरतापूर्वक किए गए हैं। इस प्रकार संध्याव मृदभांड कला जो थी वो समृद्ध थी और उनके निर्माण के तकनीक भी अत्यंत विकसित थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आभूषण के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से विभिन्न प्रकार के आभूषण मिले हैं। ये आभूषण सोने के, चांदी के, मिट्टी, पत्थर आदि के बने हुए हैं। इससे जौहरियों की कला के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। आभूषणों का ढेर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मुख्य आभूषणों में हार, करधनी, अंगूठियां, कर्णफूल आदि के अवशेष मिले हुए हैं। पुरातत्वविद मैके ने चन्हूदड़ों से मनका बनाने का कारखाना और भट्टी को खोज निकाला है। मनकों का निर्माण सुंदर लाल रंग के कार्नेनियन, जेस्टर, क्वार्टर्स और सेनखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा आदि से बनाए जाते थे। शंख और फायांस तथा पकी हुई मिट्टी के आभूषण भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर भी होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और खंडित। इस तरह के आभूषण वहां से मनके मिले हुए हैं। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का सुंदर हार भी मिला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सभ्यता की लिपि के बारे में, जीवन निर्वाह के बारे में और शिल्प कला आदि के बारे में हम पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।